नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। गैस सिलेंडर महंगा होने के बाद उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर लेने वाले लोगों ने कर दिया है इसे बंद। आपको बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना शुरू की थी जिसका नाम था समाज कल्याण प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। शुरू में इस योजना के तहत 8 करोड़ के लगभग परिवारों को, खासकर गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिताने वाली महिलाओं को रियायती LPG कनेक्शन मुहैया कराए जाने की थी यह योजना। यह इसलिए लाई गई थी ताकि इससे प्रदूषण भी कम हो और पेड़ पौधों को जो काटा जाता है वह भी कम हो सके, उसे नहीं काटा जाए, और ख़ासकर महिलाओं को लकड़ी के चूल्हे जलाने से निजात दिलाने का था लक्ष्य। लेकिन उज्ज्वला योजना का सिलेंडर महंगा होने के बाद वापस फिर आ गए हैं हम। गैस चूल्हे की बजाय लकड़ी के चूल्हों पर महिलाओं ने लकड़ी के चूल्हे को साफ सुथरा कर वापस लौट आई है जिंदगी और लकड़ी के चूल्हे पर बनानी शुरू कर दी है रोटियां और भोजन। आपको बताना चाहेंगे कि जब योजना लाई गई थी इसका रेट 421 रुपये रखा गया था। गैस सिलेंडर को लेने वाले व्यक्ति को सब्सिडी भी दी जाती थी। केंद्र सरकार ने जब से गैस सब्सिडी ख़त्म की है उसके बाद सिलेंडर के रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने यह गरीब परिवारों के लिए योजना शुरू की थी, पर वर्तमान समय में सिलेंडर के रेट 890 रुपये से ऊपर आने के बाद महिलाओं ने फिर सिलेंडर लेना कर दिया है बंद और वापस उसी लकड़ी के चूल्हे पर लौट आई है महिलाओं की ज़िंदगी। और वही योजना जो पहले गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को लाभ देने के लिए की गई थी, अब वह उससे अपना मुंह मोड़ चुके हैं। गरीब परिवारों ने वापस अपने पुराने लकड़ी के चूल्हे पर रोटी बनाना कर दिया है शुरू। अगर हम राजस्थान की बात करें तो 80% उज्ज्वला योजना के सिलेंडर नहीं लिए जा रहे हैं। उज्ज्वला योजना के सिलेंडर प्रयोग करने वाली महिलाओं से जब बातचीत की गई तो उनका यही कहना था कि मोदी सरकार के द्वारा पहले उज्ज्वला योजना के नाम पर बड़े बड़े सपने दिखाए गए और गरीबी रेखा से नीचे लोगों को गैस सिलेंडर और महंगे कर, इस एक प्रकार से उनके साथ धोखा किया गया। मेहनत मजदूरी करने वाला परिवार इतना महंगा सिलेंडर कैसे खरीदे। महिलाओं ने कहा कि अमीर परिवारों की सब्सिडी ख़त्म करनी चाहिए थी। अगर गरीबों की सब्सिडी गैस सिलेंडर पर जारी रहती तो ही वह खरीद पाने में सक्षम होता, लेकिन वर्तमान समय में सिलेंडर महंगा होने के बाद उसको खरीदने का दमखम गरीब परिवारों के पास भी नहीं रहा है। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।